हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गाइस, क्या आपके फ़ोन में कॉल लॉग शो नहीं हो रहे हैं या फिर कॉन्टैक्ट नाम भी नहीं दिखा रहा है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, जाना है अपने सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद अब आपको आ जाना है नीचे। और गाइस, जैसे ही आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन मिलेंगे गूगल या फिर यूजर्स एंड अकाउंट्स। तो आपको गूगल या फिर यूजर्स एंड अकाउंट दोनों पे बारी बारी से क्लिक करना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्लिक करते हैं यूजर एंड अकाउंट पर। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप आ जाएंगे यहाँ पर। अगर आपके भी फ़ोन में ऐसा कुछ ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ पर आपको गूगल देखने को मिलेगा, आपको इस गूगल पर क्लिक कर देना है। उस पहले वाले गूगल पर क्लिक नहीं करना है जो कि यहाँ है। कुल मिलाकर गाइस, आपको जहां पर भी ऐसा गूगल दिखे जो हम चलाते हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आप आ जाएंगे यहां पर। और यहां पर आप जितने भी जीमेल आप बनाए रहेंगे, लॉगिन किए रहेंगे, सभी जीमेल आपको यहां पर मिलेंगे। अब आपको बारी बारी से जीमेल पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस सबसे पहले नंबर वाले पर जीमेल पर क्लिक करते हैं। तो गाइस, जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऊपर की साइड दो डॉट पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ देखिए सिंस नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे देखिए रिफ्रेश हो रहा है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉन्टैक्ट का, जो कि दूसरे नंबर पे है। अगर इस प्रकार का बंद रहेगा तो आपको इसे देखिए चालू कर देना है। चालू करने के बाद इसी प्रकार गाइस आप फिर से बैक आना। बैक आने के बाद बारी बारी से सभी देखिए जीमेल को इस तरह कर लेना। और गाइस, फिर आपको इतना करने के बाद आपको सिंपली डायरेक्ट कट कर देना है। फिर अपने सेटिंग को फिर से ओपन करना है। तो गाइस, जैसे ही सेटिंग को ओपन करेंगे अब आपको आना है नीचे। और यहाँ पर एक सेटिंग पे क्लिक करना है जिसका नाम है ऐप मैनेजमेंट ऐप मैनेजर। अगर आपको ये सेटिंग नहीं मिल रही है तो आप ऊपर सर्च बार में क्लिक करना और यहाँ पर आपको लिखना है ऐप। जैसे ही ऐप लिखेंगे अब आपको यहाँ पर ऐप लिस्ट या फिर ऐप मैनेजमेंट नाम की सेटिंग मिलेगी। आप इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर ऐप लिस्ट पर क्लिक करना है। गाइस, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको आना है नीचे। और यहाँ पर आपको एक देखिए खोजना पड़ेगा अपने कॉन्टैक्ट वाले ऐप को, तो सी पर मिलेगा। हो सकता है फ़ोन कॉन्टैक्ट नाम से हो तो पी पर भी मिल सकता है। तो चलिए कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से करना है क्लियर कैश, फिर क्लियर डेटा और ओके कर देना है। जैसे ही आप इतना कर लेंगे अब आपको आना है बैक। और बैक आने के बाद गाइस, अब आपको क्या करना है, अपने देखिए इस डॉलर पैड को ओपन करना है। और जो भी नंबर शो नहीं हो रहे हैं वो नंबर यहाँ पर अब शो होने लगेंगे, नाम भी शो होने लगेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर गाइस इतना करने के बाद फिर भी नहीं शो हो रहा है तो क्या करना, अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना। जैसे रीस्टार्ट कर देंगे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।